जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जी स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम एक स्टैटिक जीके का पार्ट लेके आए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेस हैं जिनके निक नेम है, एक तरह से उपनाम है, निक नेम्स, इनको हम एक तरह से निक नेम भी कहते हैं। गाइस निक नेम है कौन कौन से, किस किस के निक नेम्स हैं, ठीक है। जैसे हर आदमी का एक निक नेम्स होता है, घर पर एक नाम होता है जिससे वो फेमस होता है, उसी हिसाब से उसका नेम रख दिया जाता है निक नेम्स। तो ऐसे ही एक प्लेस हैं, कुछ प्लेसेस हैं जो उस हिसाब से ये फेमस है, ठीक है, प्रोमिनेंट हैं इन दी वर्ल्ड, संसार में उन बिहाव पर इनका नाम रखा गया है। गाइस जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक रानी कहते हैं वेनिस को। वेनिस, वेनिस पड़ता है कहाँ गाइस, इटली में गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ स्टैटिक पार्ट का, कोई भी आता है तो उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता भी है गाइस, ठीक है, हर एग्जाम्स में आता है। एड्रियाटिक की रानी मतलब एड्रियाटिक क्यून, इटली को कहा गया है, ठीक है, एड्रियाटिक क्यून्स इटली को कहा गया है। सात पहाड़ियों का नगर, अ सिटी ऑफ सेवन हिल्स, इतना टफ नहीं है हिंदी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम को कहा गया है, और रोम भी कहाँ पड़ता है गाइस, इटली में पड़ता है, ठीक है ना। सिटी ऑफ सेवन हिल्स मतलब वहां पर पहाड़ी ज्यादा है, इसीलिए सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहा गया है, जो कहाँ पड़ेगा, इटली में। इटली कहाँ है गाइस, यूरोप, यूरोप में, यूरोप एक महाद्वीप है गाइस, वहां पर पड़ेगा। नील का वरदान, वरदान मतलब एक तरह से उपहार, एक गिफ्ट कहा गया है, जो इजिप्ट में बहती है, आपको पता है नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो इजिप्ट में बहती है, इसलिए इजिप्ट को या मिस्र को नील का वरदान कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। मिस्र बोला गया इसको, हम मिस्र हिंदी में कहते हैं, मिस्र को नील का वरदान कहते हैं, क्योंकि जो नील नदी है वो मिस्र को हरा भरा रखती है गाइस, ठीक है, वहां पर रोजगार, खेती बाड़ी क्रिएट करती है, इस हिसाब से नील का वरदान जो स्थान है वो है मिस्र। मिस्र का उपनाम क्या हो जाएगा, नील का वरदान, नील मतलब नदी है गाइस, ये याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है गाइस, याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना। गार्डन सिटी ऑफ लेक्स, फिनलैंड को कहा गया है, फिनलैंड अभी नेटो में शामिल हुआ है, 31 कंट्री हो गए नेटो में, तो लेटेस्ट फिनलैंड यूरोप का कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उसको कहा गया है गार्डन ऑफ लेक्स। गार्डन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, गार्डन ऑफ लेक्स फिनलैंड को कहा गया है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा गया है, भूटान को। भूटान का उपनाम क्या है और निक नेम क्या है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम भूटान किस किस में गिरा हुआ है, एक तरह से पहाड़ों में गिरा हुआ है, हिमालय में गिरा हुआ है, पूरा भूटान हिमालय में ही गिरा हुआ है। भूटान में किसी प्रकार का कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ठीक है। एक किस तरह का देश है, बहुत बुद्धिजीवियों के देश है, बुद्धिस्ट रहते हैं यहाँ पर भूटान में, और राजा का शासन आज भी यहाँ पर चलता है गाइस, याद रखना। नदियों का देश गाइस, ठीक है, और नदियों का देश जो रिवर्स कंट्री है वो है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, नदियों का देश इसे कहते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि सारी नदियां हिमालय से निकलकर बांग्लादेश होकर कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। मैं आपको नदियों का टॉपिक लेके आऊँगा, पूरा ग्राफ सहित बता दूंगा, इसलिए बांग्लादेश से क्रॉस होते हुए कहाँ जाती हैं, बी ओ बी में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के साइड कौन सा है, बांग्लादेश है, तो वहीं पर बांग्लादेश के अंदर ही या बांग्ला बी ओ बी में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, इसलिए नदियों का देश कहते हैं किसे, बांग्लादेश को गाइस, ओके। नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से होते हुए भी कई सारी नदियां जो है अरब सागर में जाती हैं, फार इनटू सी, इंडिया है ये, इधर अरब सागर और इधर बीओबी, इधर बीओबी और इधर अरब सागर, तो ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नदियों का देश, इसे कहते हैं नहरों का देश, क्योंकि नहर जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, नदियों से ही नहर निकलती हैं गाइस, ठीक है। झीलें, झीलें भी नदियों के द्वारा बनती हैं गाइस, ठीक है, याद रखना है। एम्पायर सिटी, स्काई सिटी, न्यूयॉर्क को कहते हैं, क्यों बोलते हैं एम्पायर और स्काई, क्योंकि बिल्डिंगें स्काई आसमान तक छू रही हैं वहाँ की, तो उपनाम क्या है न्यूयॉर्क का, स्काई सिटी और एम्पायर सिटी। एम्पायर माने न्यूयॉर्क में हर आदमी बॉस की तरह रहता है, ठीक है, इसीलिए न्यूयॉर्क। अफ्रीका, अफ्रीका का उपनाम क्या है, अंध महाद्वीप है, अंध महाद्वीप का मतलब हो गया
कि ये नहीं कि अंधेरे मतलब वहां पर ये अंधा या आंखें नहीं है। अंध का मतलब एक ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एक इक्वेटर भूमध्य रेखा गुजरती है गाइस यहां से, एक कर्क रेखा गुजरती है और एक मकर रेखा गुजरती है यहां से, कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन। इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा गया है। सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका और थ्रस्टी लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। याद रखना मैं स्पीक करके सब कुछ बता रहा हूँ। थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री मतलब वो सॉरी कॉन्टिनेंट, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं इसको हम अंध महाद्वीप, और साथ में प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं अफ्रीका को हम लोग, ठीक है ना। बाउल ऑफ सुगर मतलब चीनी का कटोरा, और एंटलीस का मोती, एंटलीस एंटलीस क्या है, एक पहाड़ी है, एंटलीस का मोती किसे कहा गया है, क्यूबा को कहा गया है। क्यूबा कहा है आपका अमेरिका, ठीक है ना। तो याद रखना बाउल ऑफ सुगर और एंटलीस का मोती किसे कहा गया है, क्यूबा, ठीक है गाइस। तो इंपोर्टेंट रहेगा, ओके, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये। सफेद हाथियों की भूमि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, क्यों व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं वहां पर, कौन सा है, थाईलैंड है, थाईलैंड एशिया पड़ता है, ठीक है, थाईलैंड एशिया पड़ता है, सफेद हाथियों की भूमि कहा गया है थाईलैंड को। उगते हुए सूर्य देश सनराइज कौन सा कंट्री है, जापान है, कई बार पूछे जाते हैं ये उगता हुआ सूर्य देश जापान। मैं बताऊंगा भूगोल में सारा कंटेंट लेके आएंगे हम लोग, बताएंगे कैसे सूर्य वहां पर कैसे कितनी देर तक रहता है, इधर कैसे आता है, नार्वे में आधी रात को चमकता है, देखो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, मतलब मिड नाइट में वहां पर सन दिखाई देता है, कहां नार्वे में। नार्वे किसका पार्ट है, यूरोप का है, ठीक है गाइस, काफी डेवलप है, क्लोज्ड इकोनॉमी इसकी। कंगारुओं के देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट था, इसे थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री भी कहते हैं गाइस, मैं बता देता हूँ यहाँ पर थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री कहते हैं इसे, थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री, प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। संसार की छत तिब्बत को, संसार की छत माने वहां की जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितनी भी चोटियां हैं, वो किसको छू रहे हैं, ऊपर आसमान, ऊपर तक हिमालय तक ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देंगी, कहां पे, तिब्बत में। इसलिए संसार की छत किसे बोला गया है, तिब्बत को कहा गया है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा गया है, बेल्जियम को कहा गया है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम का एक डेवलप, यूरोप का एक डेवलप कंट्री है बेल्जियम। चीन का शोक येलो रिवर होंगहो नदी कहते हैं, होंगहो नदी जो चाइना की है, चाइना में बाढ़ लेके आती है होंगहो नदी, काफी सारी बाढ़ ऐसी लेके आती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हालत खराब हो जाती है चाइना के लोगों की। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, प्रेरीज को कहते हैं। प्रेरीज माने प्रेरीज एक वहां का नॉर्थ अमेरिका का क्या एक स्टेट है, तो प्रेरीज एक घास भी है वहां पर, ठीक है, स्टेट ना होकर घास है, सॉरी घास है, घास है, नॉर्थ अमेरिका घास है, उसको कहते हैं विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं उपनाम से, ये फेमस है प्रेरीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो वर्ल्ड के हैं, यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर अपने इंडिया के कुछ नेक नेम्स, इंडिया के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ये वर्ल्ड के हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इंडिया के डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में नेक नेम कौन से हमारे, वही उपनाम नेक नेम्स और प्लेस जितने हम कर सकते हैं इम्पोर्टेंट वो बात करेंगे। जैसे कि मिनी दिल्ली किसे कहते हैं, मिनी दिल्ली आप जानते हैं गाजियाबाद को कहते हैं, गाजियाबाद को मिनी दिल्ली कहते हैं, याद रखना। मिनी दिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम जो कॉपी का मतलब दिल्ली का कॉपी कर रखा है वो गाजियाबाद ने कर रखा है, इसलिए गाजियाबाद को मिनी दिल्ली कहते हैं, एनसीआर का पार्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं मतलब गाजियाबाद में, इसलिए दिल्ली में जो चीज़ें वो गाजियाबाद में मिल रही हैं, इसलिए गाजियाबाद को मिनी दिल्ली कहते हैं। मिनी मुंबई सेम वही है, मिनी मुंबई किसे कहते हैं, इंदौर को कहते हैं गाइस, याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं। योगा सिटी किसे कहते हैं, योगा सिटी बोलते हैं गाइस ऋषिकेश को, ऋषिकेश इम्पोर्टेंट है, ऋषिकेश हरिद्वार में पड़ता है, मतलब हरिद्वार के पास में ही है, उत्तराखंड में है ऋषिकेश। ग्रीन सिटी कहते हैं, ग्रीन सिटी गांधीनगर को गाइस, याद रखना गांधीनगर को क्या बोलते हैं, ग्रीन सिटी कहा गया है, गांधीनगर को इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गांधीनगर कैसा है, एकदम साफ सुथरा है ना, वहाँ पर पॉल्यूशन कम है, इसलिए क्लीन सिटी इंदौर को बोलते हैं, मैं पहले लिखा चुका हूँ इंदौर को, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंदौर को कहते हैं, ठीक है। बोस्टन सिटी
कई नाम, एक नाम जैसे हैं जैसे कि बोस्टन सिटी है, और एक और है इसका नाम मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे, कहते हैं अहमदाबाद को, वाइस अहमदाबाद को बोला गया है, अहमदाबाद को भी कहते हैं, ठीक है, बोस्टन सिटी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को, नॉर्थ मैनचेस्टर, नॉर्थ मैनचेस्टर गाइस, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया, तो ये बोल सकते हैं आप, कानपुर को गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साउथ बोल सकते हैं, साउथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, साउथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये कोयम्बटूर को कह सकते हैं आप, कोयम्बटूर, इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर को साउथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है गाइस। आईटी सिटी आप जानते हैं एक ही का नाम है, स्पेस सिटी भी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो ये सब एक ही के नाम है, बेंगलुरु है गाइस, बेंगलुरु, ओके, इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु, ये सब उपनाम है, किस किस लिए फेमस है ये सब, बेंगलुरु में ये सारी चीजें हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ईस्ट गेटवे ऑफ इंडिया, ईस्ट गेट ऑफ इंडिया गाइस गुवाहाटी को कहते हैं, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, तो ईस्ट गेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्लैक डायमंड सिटी बोलते हैं आसनसोल को गाइस, याद रखना आसनसोल बोलते हैं, धनबाद को भी कहते हैं धनबाद, ब्लैक डायमंड सिटी, ये अलग है, ये वर्ल्ड के मैंने बता दिए कुछ लेकर, कुछ मैं आपको बता दूं तो स्टैटिक फॉर्म में है, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है आपको, इसको बार बार देखना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आसनसोल, धनबाद सिटी, ये भी है, ब्लैक डायमंड सिटी है, स्पाइस सिटी, गुंतूर है गाइस, गुंतूर है स्पाइस सिटी, याद रखना, ठीक है। टी सिटी, डिब्रूगढ़ कहते हैं, डिब्रूगढ़ ऑप्शन में, तो दार्जिलिंग भी कर सकते हैं आप, दार्जिलिंग, ठीक है ना, गुंतूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, डिब्रूगढ़ असम में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, ये पॉइंट भी ऐसे आ सकते हैं कि बताइए कहाँ पर है ये, तो ये आपको याद रखना है। स्पाइस सिटी मैंने बता दिया गुंतूर में, टी सिटी, डिब्रूगढ़, दार्जिलिंग में ये पढ़ते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए फेमस है ये लोग, ठीक है। स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, आप टी सिटी उसको लगा दो, या स्पाइस सिटी केरला को लगा दो, ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा, उनके अंदर शहर किसके लिए फेमस है उन पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं चंडीगढ़ को, याद रखना है चंडीगढ़। आप एक जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं गोल्डन सिटी, तो गोल्डन टेम्पल जहाँ है वो गोल्डन सिटी है, तो गोल्डन सिटी आप जानते हैं अमृतसर, लेकिन अमृतसर के अलावा और भी हैं, जैसे अमृतसर है, लखनऊ है, इसको भी हम कहते हैं, और जैसलमेर भी है गाइस, याद रखना, गोल्डन सिटी अमृतसर को भी कहते हैं, लखनऊ कहते हैं, और जैसलमेर को भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अमृतसर गोल्डन है, लखनऊ में क्या है, लखनऊ में बिल्डिंगें ऐसी हैं गोल्डन टाइप की, और जैसलमेर में क्या है, डेजर्ट है गोल्डन टाइप का, डेजर्ट माने मरुस्थल है, इसलिए उसको भी जैसलमेर कहते हैं, राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, तो गोल्डन सिटी बोला गया है इन शहरों को, इम्पोर्टेंट शहर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सब कुछ यहाँ लिखा दिया है, याद रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं ड्रीम सिटी, इंपॉर्टेंट रहता है ड्रीम सिटी, तो सब जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एक तरह से सेवन आइलैंड सिटी, बॉलीवुड सिटी मुंबई, ये मुंबई है, ठीक है। जॉय सिटी, पैलेस सिटी, ये है कोलकाता गाइस, ठीक है, फैक्चुअल है, इसमें कोई ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, आप थोड़ा रिवाइज कर लेना एक तो बार तो याद हो जाएगा। जॉय सिटी, आनंद वाला शहर, पैलेस माने महलों का सिटी, इसे कहते हैं कोलकाता को, ठीक है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं, वो सब हिंदी में ही है सारा। ग्रीन को कहते हैं हरा वाला शहर, क्लीन को, ठीक है, साफ सुथरा शहर, योगा वाले योगा शहर, तो इस तरह से इतना टफ नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो भी है कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो जॉय सिटी, पैलेस सिटी किसे कहते हैं, कोलकाता को। छोटी मोटी आप जानते हो, पिंक सिटी जयपुर है, ठीक है, निजाम सिटी हैदराबाद है, बिरयानी सिटी हैदराबाद है, तो कुछ पॉइंट्स आप कर लेना, इंपॉर्टेंट्स है, तो
तो ये मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा दिए हैं गाइस, जो हमारे इंडिया से रिलेटेड हैं, जो पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आ भी जाता है, बताइए कौन सा शहर किसके लिए फेमस है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए गाइस। देखने को बहुत सारी हैं लेकिन मैंने इतना सफिशेंट कर रखा है, आराम से एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे, टेक्सटाइल सिटी कौन सा है, फिर उसके बाद आप बैंकिंग सिटी कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं। बैंकिंग सिटी कह सकते हैं तो किसको बोल सकते हैं, हम चेन्नई को बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी है हमारा कोयम्बटूर है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो निक नेम्स हो गए हमारे पूरे वर्ल्ड के और हमारे इंडिया के, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली आएगा गाइस। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम को करते जाइएगा, बर्डन मत लेइए पढ़ाई को। ठीक है, मैं कोई बर्डन ले रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई इशू नहीं है, कोई ये नहीं कि मुझे यहाँ से पैसा मिल रहा है। ठीक है, आराम से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर चैनल उठ भी गया मेरा आगे तो कोई भी फ्री होगा, आज भी है, पहले भी रहेगा, और पहले था मतलब पहले भी रहे है और आगे भी रहेगा गाइस, याद रखना। ऐसा कोई विशेष स्पेशल चैनल नहीं है, बस आपके लिए कुछ सटीक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपके लिए वो काम आए गाइस। ठीक है, यही मेरी एक छोटा सा एक मैसेज रहता है कि आप सबके वो मैसेज काम आए। ओके गाइस, आगे बढ़ते रहिएगा, नमस्कार, जय हिंद।